इसके आसपास में बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लानिंग हुई है, जैसे कि एक सेकीज करके एक बात होती है जहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं। छोले भटूरे इटसेल्फ वाज वेरी बिग डेलिकेसी इन देहरादून। बाद में वो सेकीज यहीं पे शिफ्ट हुआ रोड वाइडनिंग के कारण, लेकिन कुमार तो चल गया दोबारा से, लेकिन वो इतना नहीं चला पाया। एंड सो ग्रेजुअली सेटीज हैड टू शट डाउन, दे हैड टू शट डाउन, बट देयर छोला भटूरा वाज वेरी गुड, बट मोस्ट ऑफ देयर वर्कर्स थैंकफुली वर टेकन ओवर बाय कुमार। और अब कुमार में पूरी सब्जी और छोला भटूरा भी मिलता है जो सेटीज के ही वर्कर्स बनाते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ब्रेकफास्ट समडे, तो आई वुड रिकमेंड चेतन, देयर वी विल गो लेटर। लेकिन अगर फिर भी आप क्लीन सराउंडिंग आ सकते हैं, आपको सेफ्टी वाला टेस्ट करना। एक और बहुत इंटरेस्टिंग दुकान है यहाँ पे जो है बंगाली स्वीट्स, उसके रसगुल्ला बहुत ही अच्छे हैं, बट बंगाली स्वीट्स इज रन बाय गढ़वाल। बंगाली स्वीट्स वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1931 इन मसूरी, बिल्कुल कुलवी बाज़ार में उन्होंने अपनी दुकान इस्टेब्लिश करी। और बात है उनको लगा कि देहरादून में उनकी ब्रांच होनी चाहिए, और देहरादून में उनकी दो तीन ब्रांचेस हैं, बंगाली स्वीट्स सिंस 1931। इट्स नॉट दैट बिग दैट वी कैन अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, मान लीजिए और अगर हम यहाँ खड़े तो अगर मैं चाट वाली गली की बात करूँ तो पूरा नहीं होगा। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देहरादून कल्चर, फूड कल्चर। हालांकि अब चाट वाली गली वो नहीं रही जो इस जमाने में, बट एनी वे देहरादून चाट हमारे लिए केक्स भी आ गए। तो चाट एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली यूपी का खाना है, यूपी का खाना है, और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेड। जैसे आज जो हम फूड खाते हैं, जैसे आलू की बात करें, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आलू हमारे पूरे 200 साल पहले आया है। सबसे पहले इंडिया में कोई नहीं जानता कि आलू, आलू प्याज टमाटर बहुत सारी सब्जियाँ हैं टू सेंचुरी। बट चाट इज समथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड एवरीथिंग। इसमें जो मसाले डालते हैं जैसे सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सॉल्ट अरब्स ने यूज किया, पर्शिया से आया इंडिया का। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स आज तक चाट में अनार भी डालते हैं या ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, सो इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग। देहरादून चाट इज ऑफ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की चाट बहुत फेमस है और ताज़ी की चाट बहुत फेमस है। तो यहाँ पे भी उसका एक ट्रेडिशन रहा, आप चाट वाले थे यहाँ पे चीज एवरी वन फेमस। सो इफ यू रीड रस्किन बॉन्ड्स बुक्स, especially his book called Home on the Roof, where he is talking about his childhood. वो एक European family में था and he was living like a European, और डालन वाला में रहते थे, पहले राजपुर में रहते थे फिर डालन वाला में। तो जो British memories थी बॉर्डर लाइन क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के बाद बाहर में एंटर करना उनके लिए, उनके बच्चों के लिए परमिटेड नहीं है, बिकॉज दिस इज वेयर द नेशंस लिव, दिस इज वेयर द इंडियंस लिव, एंड दैट वाज द एरिया वेयर द यूरोपियंस
because of the Anglo-Indian War. So Ruskin was never allowed to come. And his first interface in India, the first interaction with him, he was charged with real India. The whole chapter in his book was devoted to how he was able to come out. कैसे वो भी पेट में गया और क्या-क्या उसमें एक्सपीरियंसेस उनको हुए फिर उनको खाना अच्छा लगा ये केम यार ऑफर और एक बार तो वो होली के दिन आ गए और तब घर वापस जब गए हुए रंगे हुए तो कुछ लेट हिम तो लीव इस बार इसके बाद उन्होंने घर छोड़ा एंड देन ही बिकेम द रस्किन बॉन्ड व्यक्ति नो So it happened here in the chart valley. Of course there are many nice chart spaces in there, but not there. So we move forward and we go to the bakery. Bakeries established here, all sari bakeries cut off. एंटरप्राइज को चलाने के लिए बहुत ही डेडिकेशन है Thank you.